तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स पे एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, फर्स्ट लॉ पे। तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स अभी शुरू नहीं की, पर ये शॉर्ट वीडियो है। मतलब मैं थर्मोडायनेमिक्स की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें कॉन्सेप्चुअल पॉइंट और न्यूमेरिकल लाऊंगा। तो भाई अब जो प्लेलिस्ट बनेगी, पूरा कंटेंट नहीं लाऊंगा, न्यूमेरिकल हर टॉपिक के और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बता दूंगा आपको। रिपीटर्स के लिए हो जाएगा ये वीडियो इंक्लाइंड, लेकिन आप भी इससे कुछ सीख सकते हैं। तो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, सबसे पहले एनर्जी बैलेंस है। ओपन या क्लोज सिस्टम कुछ भी हो सकता है। ओपन सिस्टम क्या होता है, जो कि मास इंट्रैक्शन और एनर्जी इंट्रैक्शन दोनों को अलाउ करता है, जिसके थ्रू मास का एक्सचेंज अलाउड हो। और क्लोज सिस्टम होता है कि जो मास है सिस्टम के अंदर वो एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है वहाँ पे। तो भाई क्लोज सिस्टम पे जब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो एनर्जी बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट लॉ क्लोज सिस्टम के लिए, वो हो जाएगा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये वाला जो दिख रहा है आपको क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो ये कुछ नहीं है, एनर्जी बैलेंस है सिस्टम का। एनर्जी बैलेंस कहता है कि सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम है अगर, तो उस पर जो एनर्जी आ रही है अंदर, वो कुछ पार्ट उसका स्टोर हो जाएगा और कुछ जो है बाहर चले जाएगा। तो भाई कुछ भी हो सकता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी आ सकती है, वर्क के फॉर्म में आप एनर्जी दे सकते हो वर्क कर रहे हो सिस्टम पे अगर, तो कुछ नहीं करना है। एनर्जी बैलेंस जो कहता है क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये तब लगेगा जब क्लोज सिस्टम है। अगर हीट अंदर आ रही है तो वो स्टोर हो जाएगी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, और वर्क डन बाय सिस्टम, जो सिस्टम वर्क कर रहा है उस फॉर्म में बाहर चली जाएगी। तो टोटल एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, जो एनर्जी आएगी, तो कुछ सिस्टम में स्टोर हो जाएगी और कुछ चले जाएगी। तो ये सिंपल फर्स्ट लॉ है। जो साइन कन्वेंशन बनाए क्लोज सिस्टम के लिए, वो ऐसे बनाए कि अगर हीट जो है क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू जब आप लगाओगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम, तो इसमें अगर हीट जो है अंदर आ रही है सिस्टम के तो उसे पॉजिटिव लेना है, बाहर जा रही है तो नेगेटिव। W जो है अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी कि वर्क बाहर जा रहा है सिस्टम से, वर्क बाहर जा रहा है यानी कि सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, तो पॉजिटिव लेना है। अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो नेगेटिव लेना है W को। और डेल्टा U जो है अगर एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव लेना है, अगर घट रही है सिस्टम की एनर्जी तो नेगेटिव लेना है। अब ओपन सिस्टम पे आते हैं भाई, कंट्रोल वॉल्यूम पे। ओपन सिस्टम मास का एक्सचेंज अलाउड है, एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड है, तो एनर्जी बैलेंस फॉर ओपन सिस्टम। अगर जो सिस्टम है उसमें इनकमिंग मास फ्लो रेट और आउटगोइंग मास फ्लो रेट, ओपन सिस्टम में हम मास फ्लो रेट की बात करते हैं, मतलब कि पर यूनिट टाइम जो मास का एक्सचेंज है, अगर अंदर आने वाला और बाहर जाने वाला सेम है तो भाई उस सिस्टम को हम कहते हैं, उस टाइप के जो फ्लो को हम कहते हैं ओपन सिस्टम में, फ्लो की बात करते हैं। फ्लो होगा एक कंट्रोल वॉल्यूम होगा, ओपन सिस्टम एक कंट्रोल वॉल्यूम होता है। तो मान लो वॉल्यूम में एक साइड से मास आया, एक दूसरी साइड से चले गया, तो भाई अगर मास का जो फ्लो रेट है वो सेम है इनकमिंग और आउटगोइंग, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम, उसे हम कहते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFEE। तो भाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहती है एच वन प्लस हाफ वी वन स्क्वायर प्लस जी जेड वन प्लस स्मॉल क्यू। स्मॉल में इसलिए आ रहा है क्योंकि पर यूनिट मास के टर्म्स में हम डील कर रहे हैं, एंथैल्पी जो है स्पेसिफिक एंथैल्पी है, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर बाय टू नहीं होती, एम वी स्क्वायर बाय टू होती। तो भाई पर यूनिट मास में हम ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को एम जी जेड लेते थे लेकिन जी जेड ले रहे हैं, तो पर यूनिट मास में हम खेल लें एच वन प्लस हाफ वी वन स्क्वायर प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इक्वल टू एच टू, एच टू प्लस हाफ वी टू स्क्वायर प्लस जी जेड टू प्लस डब्ल्यू। तो सब स्मॉल में स्पेसिफिक टर्म्स है, स्मॉल एच जो है एंथैल्पी है किलोजूल पर किलोग्राम में, जो क्यू है वो इनकमिंग हीट है, अगर अंदर आ रही हीट तो क्यू को आपको पॉजिटिव लेना है, किलोजूल पर किलोग्राम में स्पेसिफिक है, और स्मॉल डब्ल्यू जो है आउट गोइंग वर्क है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से आपको लेना, अगर वर्क आउट हो रहा है तो राइट हैंड साइड में ले पॉजिटिव में, किलोजूल पर किलोग्राम में अगर मैं डील करूंगा तो वेलोसिटी वाले टर्म में वी स्क्वायर बाय 2000 करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर तो जूल में होता है ना, लेकिन हमें किलोजूल में लेना है तो अपॉन 1000 करा, इसलिए वो जो 2 था 2000 बन गया, और ऐसे ही एम जी जेड होता था लेकिन स्पेसिफिक है, तो मास वाला टर्म हट गया और जी जेड बाय 1000 हो गया। तो भाई यह है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम। और अगर क्यू जो है बाहर जा रही है तो आप कुछ मत करो, राइट हैंड साइड में ले लो क्यू को, या फिर अगर इस इक्वेशन के हिसाब से आप लोगे तो क्यू को आपको नेगेटिव लेना होगा, क्यू अगर बाहर जा रही है तो नेगेटिव, अंदर आ रही है तो पॉजिटिव, और इसी इक्वेशन में फिट कर देना है। और डब्ल्यू अगर
बाहर जा रहा है, मान लो टर्बाइन है, तो उस केस में W पॉजिटिव में आएगा, आपको W निकालना होगा टर्बाइन के केस में। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगानी है, H1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इक्वल टू एच टू प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस जी जेड टू प्लस स्मॉल W। तो भाई ये जो टर्म्स हैं, आपको टर्बाइन दिया होगा, अगर इंसुलेटेड दिया है कहीं पर इंसुलेटेड लिख दे तो क्यू जीरो कर देना है, तो इस हिसाब से आपको कर देना है। तो फर्स्ट लॉ कुछ नहीं है, एनर्जी बैलेंस है किसी भी सिस्टम का, ओपन के लिए भी बता दिया, क्लोज के लिए भी बता दिया। तो भाई यह है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, ये मेनली क्वांटिटी ऑफ एनर्जी पे बात करता है और क्वालिटी ऑफ एनर्जी को ये डील नहीं करता। तो वो जब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ में आता है, वो क्या है वो आगे बताऊंगा। तो फर्स्ट लॉ के कुछ न्यूमेरिकल भी करा दूंगा थर्मोडायनेमिक्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में। तो भाई ये ध्यान रखना है, यूनिट का बहुत बड़ा गेम है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, या कोई से भी आप थर्मो हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, हीट ट्रांसफर हो, यूनिट में गलती नहीं करनी है। गेट में जो है गलतियाँ यहीं पे होती है ज़्यादातर यूनिट में, क्योंकि इक्वेशंस बढ़ी है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो यूनिट पे गलती हो जाती है, वो नहीं करनी है भाई। धन्यवाद, बाय।